आज यकम में ये मजदूरों का छुट्टी का दिन है और आप काम कर रहे हैं। बस ये मजबूरी है हमारा, क्योंकि महंगाई है बहुत ज़्यादा। हम इस जगह का 20,000 रुपये महीना किराया देते हैं। अगर हम काम न करें तो हमारे पास ऊपर से 600-700 रुपये दिन आते हैं। ये हम हासिल करते हैं अपने बच्चों के लिए भी और न्याय के लिए। ये यकम मई के बारे में आप क्या जानते हैं? यकम मई क्या है? यकम मई तो अच्छा है, मजदूर का दिन है, मतलब मजदूर छुट्टी करेगा ना, ये खुशी का दिन है। लेकिन वो बंदा कर सकते हैं जो उसके काबिल हो। हम गरीब बंदा है, हम मकान का किराया अपने बच्चों के लिए अल्ठा अच्छा चीनी वगैरह ये पूरा नहीं कर सकते। इस वजह से हम देखो बारिश भी शुरू है, हम लगे हुए। जाते हैं बस उसको गाड़ी कम है, इसको कोशिश करते ज़्यादा। 7 बजे से काम कर शुरू करते हैं, इसको 5 बजे छुट्टी करते हैं। nazreenazara.com.pk के साथ में हूं गुलफराज जिदू। यकम मई मजदूरों का आलमी दिन, और इस दिन हम एबटाबाद की एक वर्कशॉप में मौजूद हैं जहां पर मजदूर अपने अपने काम में मशगूल हैं। इससे पहले हमने मुख्तलिफ मजदूरों से बात भी की, जिन्होंने बताया कि यकम मई उनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास अहमियत कामिल दिन नहीं है। इस दिन वो छुट्टी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो छुट्टी करेंगे तो उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। हो सकता है आज मुख्तलिफ NGOs जो मज़दूरों इंसानी हकूक की बात करती हैं उनकी तरफ से सेमिनार भी मुनक़द किए गए हों, बातें भी बड़ी बड़ी किए गए हों, मगर यहाँ जो लोग हमें वर्कशॉप में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन होगा और इनके ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या वो अमली इकदाम हैं जो ज़रूरी हैं? इसका तल्लक आम आदमी से भी जुड़ा हुआ है, सियासी और समाजी तंजीमों से भी जुड़ा हुआ है, और हमारी सियासी जमातों से भी जुड़ा हुआ है जिनकी पॉलिसियाँ बरह रास्त आम आदमी की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। नाज़रीन, पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं पेट्रोलियम की कीमतों में जिस तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, इसी तरह से शाय खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में 250-300 रुपये दिहाड़ी लेने वाले मज़दूर का गुजारा कैसे होता होगा, ये सोच कर भी इंसान कांप उठता है। ज़्यादातर मज़दूर ये समझते हैं कि यकम मई उनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास अहमियत का हामिल दिन नहीं है, और ये भी एक आम दिनों की तरह गुजर जाता है, जिस तरह वो हर रोज़ अपने काम पे आते हैं, काम करके वापस चले जाते हैं, मजदूरी लेके अपने घर का चूल्हा जलाने की कोशिश करते हैं। इस दिन भी उनकी यही कोशिशें जारी रहती हैं।